أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا ربيا لعلكم تعكلون असल वरमक़ा नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम कुरान का सफर और मैं हूँ आपका हो सै शाह बुखारी कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है इन् हाज़ल कुरान यह लिल्लती लती है कि अल्लाह ताला इसी कुरान पाक के जरिए सीधा रास्ता दिखाते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है इलाह यरफ़ हाज़ल किताब अकवान व यबी आखरीन कि अल्लाह ताला इस कुरान पाक ही के जरिए बहुत सी कौमों को अता फ़रमाते हैं और उन्हें छोड़ देने वालों को अल्लाह ताला तनजिल में मुबला कर देते हैं मुल्क की तरक्की के लिए इस्लामी रियासत में ऐसे अदारों को होना बहुत ज़रूरी है कि जो कुर पा के कवानीन को और उनके असूलों को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ऐसी रहनुमाई फराम कर सकें जो लोगों के लिए आसानी का बायस बने और हमारे मुल्क में एक ऐसा ये अदारा इस्लामी नज़रिया कौंसल कौंसल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के नाम से जिसे जाना जाता है और उसमें काम करने वाले और उनमा की सरप्रस्ती करने वाली शख्सियत जिनकी बहुत सी समाजी और मज़बी खिदम हैं हमारे दरमियान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही प्यारी और मदबराना गुफ्तू करते हैं चेयरमैन इस्लामी नज़राती कौंसल जनाब डॉक्टर किबला अयास साहब असल अम बहुत शुक्रिया आपका आपने अपनी मसरूफियत में से हमारे लिए वक्त निकाला सबसे पहले मैं आपके ताली कैरियर के हवाले से पूछना चाहूँगा ताकि हमारे नाजरन को पता लगे कि वो कौन सी कामयाब तालीम थी जो आपने हासिल की और अल्लाह ताली ने आपको माशा इतने बड़े जो है महबी अदारे का सरप्रस्त बनाया बस्मान रही शाह साहब बड़ी मेहरबानी आपने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मौजू पर ये प्रोग्राम रखा मेरी uh, जो तली uh, एक तसलसल है वो तो ऐसा है कि जो मामूल के स्कूल्स uh, और कॉलेज़ हैं इन्हीं से मैं निकला हूँ और uh, गवर्नमेंट हाई स्कूल्स इब्तदाई तालीम तो मेरी जो बनू में अंग्रेज़ी स्कूल था वो वहाँ पे हुई कैंटोनमेंट में लेकिन फिर मैं मैट्रिक मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर तीन बनू और इसके बाद बी एस में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज बनू से डिग्री ली उन्नीस में एम ए इस्लामियात पिशाहर यूनिवर्सिटी और फिर उन्नीस में मैं एडनब्रेड यूनिवर्सिटी बरतानिया की वहाँ पे मैंने इस्लामी तारीख में पीएचडी ली इस दौरान मुसलसल उन्नीस से लेके और 2013 तक पिशर यूनिवर्सिटी में बहसीत उस्ताद रहा वाइस चांसलरशिप का मौका भी मिला डीन का मुतद बार इस्लामिया का लेकिन इसके साथ साथ जो इस्लामी है अलग से जो रिवायती सिलसिला है दरसी कुतुब का जी जी तो अपने गाँव में जो उस वक्त मदारस तो इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे दीनी मदारस लेकिन मसाजिद के अंदर दुरूस हुआ करते थे और बड़े आलम जो देहाती इलाकों में होते थे उनके अपने दर्स के सिलसिले चलते थे चुनाच वहाँ पे जो फ़ुनून हैं इस्लामिया के फ़िल फ़िख़ और इसी तरीके से मनतिकरफना अक़ायद ये किताबें भी मैंने वहाँ से पढ़ लीं तो इस वजह से एक इमतज़ाज बन गया इस इसम का भी कि जो असरी है और जो रिवायती हमारे दीनी है उनका इम्तज़ाज बनाए क्राम के साथ एक लम्बा सिलसिला ताल्लुक़ का और अहतराम का तो यकीन बड़े बड़े कराम से मुलाकातें रही हूँ और उनसे भी सीखते रहे तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो एक तालब इमाना कोशिश हमारी है ये बरकत है इस तसलसल की जो मैंने आपके सामने पेश है ज़बरदस्त तो आप इतने अरसे से इसकी खिदमत कर रहे हैं इस इदारे की माशा तो बेसिकली इस्लामी नजरिया का कौंसिल का काम है क्या ताकि हमारे नाजन को पता चले कि मुल्क इस्लामी रियासत में इसका क्या करदार थोड़ी सी इसकी मैं आपको ताज़ी हूँ ये तो हम सब को इल्म है कि पाकिस्तान की तश्कील पाकिस्तान को एक अलीहदा ममलिकत के तौर पर हासिल करने का मुतालबा इसकी पुष्ट तो जज्बा यही था कि मुसलमानों का एक खत् हो जहाँ पे इस्लामी कानून हो और इस्लामी माशरत हो अब ये जब पाकिस्तान बना तो पहला इधारा जो बना वो था जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामिक रिकन्स्ट्रक्शन इदारा बरए इस्लामी तामीर नाह और उसकी क्यादत जो थी वो बहुत बड़ी शख्सियत के पास थी दे दी गई वो शख्सियत थी अलामा डॉक्टर मोहम्मद असद ये यहूदी थे मुसलमान हो गए ऑस्ट्रिया के जर्मनी के ये उनकी शहरीत थी पाकिस्तानी शहरीत ले ली पहला पाकिस्तानी पासपोर्टामा मोहम्मद असद साहब को मिला इसके बाद फिर वो किसी मगरबी मुल्क में पाकिस्तान के सफीर भी लग गए लेकिन उन्होंने इस बुनियादी इदारे की सदारत संभाली दो काम थे इस्लामी कानून की तश्ल और इस्लामी माशरत के लिए तजावीज़ अब उनके बाद फिर बहुत बड़ी शख्सियत सैद सलेमान नदवी अल्लामा भी भी। उनकी क्यादत में फिर बोर्ड ऑफ तालीमत इस्लामिया की तश्कील हुई इसके बाद फिर इस्लामिक लॉ कमीशन फिर उन्नीस सौ बासठ के आन में इस्लामी मशावरती कौंसल उन्नीस सौ तिहत्तर के आन में इस्लामी नजरियाती कौंसल अब ये तमाम इदारे जो हैं यूँ समझें कि ये इदारे पेशरोदारे हैं इस्लामी नज़रिया बुनियाद है और अहदाफ जो हैं जी वो यही है कानून साजी इस्लामी पैरामीटर के अंदर चौकट के अंदर और इस्लामी माशरत के लिए तजावीज़ तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को आयी ने उन्नीस सौ तिहत्तर के आन ने जो मैंडेट दिया है जो जिम्मेदारी दी है वो यही है माशा तो इसमें जब आप कोई ऐसा जब लॉ कवानीन बनाते हैं तो आपको बेशुमार पकिस्तान में ऐसे मुश्किल का सामना करना पड़ता होगा मुख्तलिफ मकात फिक्र के वलमाएँ हैं तो आप उन तमाम वमाए कराम को कैसे साथ लेकर चलते हैं जो इस्लामी नजरियाती कौंसल की साख्त है जी कि जिस तरह इस्लामी नजरियाती कौंसल की आ, का जो ढांचा है उसमें बुनियादी अहमियत जो है वो जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल की एपिक्स बॉडी है जो सबसे बड़ी बॉडी है जो सिफारिशा जो फैसले जो जायज़े जो रिपोर्ट्स मंजूर करने की या उनपे मेहनत करने की जिम्मेदार है वो है ये बॉडी जो बीस अरकान पर मुश्तम होती है वो तो एक चेयरमैन होता है और चेयरमैन के साथ उन्नीस मजीद मंबरान तो टोटल बीस वह तमाम मकादबे फिक्र से होते हैं अच्छा उसमें आइन हमें ये कहता है आयीन कि ये जो बीस हैं इन में एक बटा तीन हिस्से यानी सात मेम्बर्स ये खालसता पर मुशतमिल हो और मुख्तलफ़ मसालिक केमा यानी इस वक्त पाकिस्तान में जो मुरुज मसालिक हैं शी सुन्नी फिर देवबंदी बरेलवी आल हदीस ये नुमाइंदगी इन सब की हो ठीक और फिर दो ये आइनी ज़िम्मेदारी है कि दो हमारे पास जज हों वो सर्विंग जज भी हो सकते हैं वो रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के इसी तरीके से इस्लामी लॉ इस्लामी मैनेजमेंट के हवाले से ये नुमाइंदगी हो और कम से कम एक खातून हो तो इस वक्त यही आइनी जो डांचा है ये है हमारा और यही बॉडी एपेक्स बॉडी जो है ठीक ये जब कोई फ़ैसला करे या कोई सिफारिश करे तो वही फिर इस्लामी नज़रियाती कौंसल का की राय होती है वही इस्लामी नजरियाती कौंसल की सिफारिश होती है जायज़ा होता है और उसी को एक ऑफ़िशियल हैसियत हासिल होती है ठीक और जब कभी अख्तलाफ़ पाया जाए अगर बिलफा तरह आपने टीम का जिक्र किया तो उस इख्लाफ़ को कैसे दूर किया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ हम मसाले के को कोतफाक़ में आपस में रखना काफ़ी मुश्किल दरपेश होती है तो आप फैसले करवाने में कैसे इनकी आरा को आप मुतफ़ करते हैं जो आइन का आर्टिकल टू है जी आर्टिकल टू में यह है कि कोई कानून इस्लाम जो है वो रियासत का सरकारी मज़हब होगा और इसके बाद फिर जो चैप्टर नाइन है उसमें दफ़ा है कि कोई क़ानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं बनेगा तो वहाँ अल्फाज हैं कुरान और सुन्नत ठीक है हमारी कोशिश ये होती है कि जब कोई हम राय की तश्कल करें तो वो राय क़र्न और सुन्नत के, के पैरामीटर के अंदर हो और उसके अंदर जो एक ताबीर है और ताबीर का जो तनव है उससे बाला तर हो के फैसले किए जाएँ तो मुमकिन है कि माजी में कोई अख्तिलाफी नोट आए हों और वो बहुत ही जाम अख्तलाफी नोट होते हैं लेकिन तीन साल जो मेरे यहाँ पे ढाई साल गुजरे तो इन में अहमदिल्ला कोई भी ऐसी सिफारिश या ऐसा फ़ैसला नहीं है जो बिल बिल्तफाक़ ना हो बिल इजमा ना हो कोई इख्लाफी नोट इसमें नहीं है कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें नुक़ः नज़र के अख्तिलाफ़ की वजह से आ, फैसला जो हो उसके लिए वोटिंग करनी पड़े नहीं ऐसी कोई बात नहीं ठीक तो जो उलमा हैं कमेटी के वो पूरे कुरान पाक का मताल करते हैं अदीस की रोशनी में क्योंकि ज़ाहरा जब एक कवानी कवानीन बनते हैं उसके लिए उनके पूरा मताल पाक का जैदाय के राम है ना जय जदलए के राम है उनकी नज़र होती है और आने पाक के ऊपर अदीस के वो माहरीन होते हैं फ़िख और असूल फ़िख़ का उनका बड़ा वसी मताल होता है तो वो बड़ी अच्छी रहनुमाई करते हैं और फिर होता यह है कि बुनियादी काम जो हम करते हैं मसला कोई सवाल हमारी तरफ़ से हुकूमत की तरफ़ से आ जाए या कोई बहुत बड़ा मसला हो जिस पर हमारी राय मांगी जाए तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का अपना एक शोब तहकीक़ है okay. उसमें जैदल के राम है और वो न सिर्फ ये कि रिवायतीलूम से बल्कि आसरी सूरत हाल से भी आगाह लोग हैं और बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिससे वो इस्ता करते हैं रिसर्च लाइब्रेरी इसी मकसद के लिए तश्ील दी गई है तो वह फिर नोट तैयार करते हैं हमारे शोब तहकीक़ के जो अफसरान हैं और एक डायरेक्टर जनरल है जो इनका सरबरा है वो नोट एक तश्कील कर देता है एक नोट बनाता है उस नोट में तमाम हवाले होते हैं कुरान पाक के अदीस के सुन्नत नबवी के फिक्ह और उस फिक्ह के अंदर जितनी जरूरी रेफरेंसेस हवाले हों हो तो किसी भी स्कूल ऑफ़ मुख्तलफ का हवाला देते हैं और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हनफी ही क्योंकि हमारा है लेकिन शाफ़ी हवाले भी हैं माले की भी सब इसके बाद फिर जब ये नोट तैयार होता है तो उस नोट को एक एजेंडे की सूरत में हम एपेक्स बॉडी के मंबरान के पास बेचते हैं जब मीटिंग तय हो और फिर बिलोम ये भी वो भी ऐसे होते हैं कि चूंकि ये जयदाएँ के नाम हैं आम तौर पर मदारस से मुतक़ होते हैं तो वो अपने मदारस के जो मुफ्ती साहिबान हैं जो वहाँ केमा हैं वो उनके हवाले कर लेते हैं कि आप इन पर नोट तैयार करें जो होता यह है कि जो हमारे शोब तहकीक का नोट हो उस पर हमारे कराम के नोट्स भी आ जाते हैं वो फिर आइंदा जो मिनट्स हम बनाते हैं रुदाद उसमें वो नोट्स भी हम शामिल करते हैं इस वजह से मैं कहता हूँ कि अगर इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात जो उन्नीस सौ बासठ से लेके उस वक्त ये इस्लामी मशावरती कौंसिल थी उन्नीस सौ बासठ के आन में उनका अगर मुताल किया जाए तो ये आलमी एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ मजमु है और मैंने तो जस्ता जस्ता उसका मुताल किया है जब मैं यहाँ आया सच्ची बात यह है कि इतनी अहम बातें मुझे सीखने को मिली और इस कदर अंदाज में वो नोट्स हैं और वो तबसरे हैं कि अल्लाह ताला का ये एहसान है और हम इस पर अल्लाह ताला के शुक्र हैं कि इतनी मेहनत के साथ ये काम इस वक्त अलहमद ला माशा डॉक्टर साहब माजी में देखा गया कि कुरने पाक के तराजम के हवाले से काफ़ी पाकिस्तान में ऐसी अशात हुई हैं कि जिनके ऊपर काफ़ी जो है वो हैरानगी का इजहार किया गया कि उसकी ज़बर ज़ैर और आयतों में तो इस्लामी नजरियाती कौंसल की उन पर नज़र होती है कि कोई ऐसी अशात से कुर पाक जो ऐसे जो तर्जमे जो निकल रहे हैं या कोई ऐसी तब्दीली वाकई हो रही है उसको रोकने में अपना किरदार अदा कर सकें मुसलसल इसमें अभी हाल ही में ऐसा हुआ अच्छा कि तकरीबा डेढ़ साल पहले कि कुछ तर्जुमों पे तहफात थे तो हमारे मेंबर जो अब गुजशत महीने वफात पा गए अजर मौलाना गुलाम मोहम्मद से आलवी मरहूम उन्होंने बाकायदा उनकी निशानदेही की और फिर उस पर हमने शब तहकीक से कहा और फिर हमने जो सबका तर्जुमे थे यानी इब्ता से जब उर्दू तर्जुमों की रिवायत शुरू हुई वो पूरा रिकॉर्ड हमने चेक किया और उस पर फिर हमारा नोट बना तो जो आपका सवाल है यकीन इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो हम आ, उस पर हम नज़र भी रखते हुकूमत को किरदार अदा करना चाहिए यानी हुकूमत किरदार अदा करती है मस्ता क़ुरान पाक की सही इशात कि उसके अंदर कोई ग़लती ना हो क्योंकि बहुत सारे क़ुरान पाक के जो इशाती इदारे हैं उन्होंने कुरान पाक छापा है और उनके अंदर गलतियाँ हैं तो उसमें भी कुरान बोर्ड के साथ जिसकी क्यादत हजरत मोहम्मद सियालवी मरहूम फरमाया करते थे और हमारे मेंबर थे आ, इस दौर में भी मेंबर थे इससे पहले भी मेंबर थे तो उन्होंने हमेशा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को साथ लेकर यह खिदमत सर अंजाम दी

वेलकम बसरीन हम गुफ्तू कर रहे थे डॉक्टर किबला या साहब से जो चेयरमैन है इस्लामी नजराती कौंसिल के डॉक्टर साहब आज कल जो काफ़ी इशू भी चल रहा है अगर देखें हम मंदिर की तमीर के हवाले से तो इस पर अपना मौक़ बताइएगा कि इस्लामी रियासत में इसके हवाले से जो है इस्लाम किस तरफ इशारा करता है उसकी तहमीर केवाले से बताएँ के क्या हुआ? अता शाह साहब जिस तरह मैंने गुजारिश की कि जो हमारी एपेक्स बॉडी होती है सबसे बड़ी बॉडी बीस मुंबरान की जब वो कोई सिफारिश दे राय दे और उसकी बुनियाद शोब तहक़ीक़ का जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम नोट तैयार करते हैं तो इसके बाद फिर वो हमारी राय बन जाती है इससे पहले चेयरमैन जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के होते हैं जी उनकी कोई जाती राय की कोई अहमियत नहीं होती क्योंकि चेयरमैन दरअसल एक तर्जुमान होता है स्पोक्स पर्सन होता है उस सिफ़ारिश का उस राय का उस जायज़े का उस फैसले का इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की एपिक्स बॉडी दे चुनाच अब सवाल तो हमारे पास आया है और सवाल ये है कि मौजू टाइटल में तो मंदिर का लफज है लेकिन जो हमसे पूछा गया है वो एक सवाल है जिसके दो जुज हैं पहला ये है कि क्या गैर मुस्लिम कम्यूनिटी के लिए नई इबादत गाह नई इबादत गाह एक तो पुरानी इबादत गाहें नई इबादत गाह और वो भी रियासत की माली मदद के ज़रिए इसकी तमीर शायत के अंदर इसकी गुंजाइश है या नहीं है ठीक अब ये सवाल हमारे पास है शोब तहकीक़ की मीटिंग्स हुई हैं कल भी हमारी एक मीटिंग थी शोब तहकीक़ की और उसमें हमने ये इब्तदाई तौर पर तय किया कि अब ये जो सवाल हमारे पास आया है इस सवाल को हमने नोट की तैयारी का अंदाज़ क्या होना चाहिए यानी वो, वो, वो शकल जिसकी हमने नोट को देनी है वो क्या है और इस बात पे इतफाक़ हुआ कि हमने जो रसूल अक्रम अलैहि वसल्लम का था अहिल नजरान के साथ मसीहियों के साथ जी जी जी। उनसे हम इब्तदा कर लेंगे फिर खिलाफत राशिदा में जो माहते ये सुलह की सूरत में कि जो मसीहियों के साथ बिल्मू हुए और उनको माहदों की शक्ल में आ, आ, एक इतफाक़ हो गया फिर इसके बाद मुख्तलफ़ मुसलमान हुकूमतें जो हैं उनके रवैये क्या रहे ठीक और ख़ानदान मैया के फिर अब्बासी दौर में बिलखसूस जो गलबे का दौर था या मुसलमान गालिब थे तो उस ज़माने में फ़िक की जो ताबीरत हैं या आरा हैं वो क्या हैं इसके बाद फिर ओस्मानी सल्तनत की जहाँ पे फिर बहुत सारे मसीही इलाकों को बिलखसूस फ़तः कर लिया गया एक तो वो सुलह की सूरत है एक फतह की सूरत है फ़तह की सूरत है तो वहाँ क्या रवैये थे औरंगज़ेब आलमगीर जो मोगल बादशाह बिल्कुल उनके बारे में लिटरेचर कि उन्होंने कुछ मंदिरों को आ, एक सलूक कुछ मंदिरों के साथ किया कुछ मंदिरों के साथ मुख्तलिफ सलूक किया तो उसकी पुश्त पे कोई रियासती मसाल और जाहिर है कि वो एक और औरंगज़ज़ेब आलमगीरी के दरमियान एक बड़ी कुर्बत की फतः आलमगीरी जी बिल्कुल ये दौर की आ, उसमें तो उसमें पहले से मौजूद थी तो मौजूद थी वो है ना कि हिंदुस्तान तो ताही मंदिरों का मुल्क तो वो भी हम देख रहे हैं इसके बाद फिर जब पाकिस्तान की तश्कील हुई तो पाकिस्तान की तश्कील से कुछ अरसा कबल दोनों बड़ी पार्टियाँ कांग्रेस और मुस्लिम लीग इनके दरमियान माहदा फिर उन्नीस सौ पचास में नेहरू लियाकत का माहदा नेहरू वजीरम भारत लियाकत अली खान वज़ी अजम पाकिस्तान इनका माहदा अकलीतों के बारे में यहाँ पर जो अकलीतें रह गई वहाँ पर जो अखिलियत फिर उन्नीस सौ तिहत्तर का आइन कि जिसमें में पीम्बल मकासद है और फिर इसके अंदर आर्टिकल फोर फिर इसके अंदर मुख्तलिफ और आर्टिकल जिसमें इंसानी हकूक़ हैं अब ये सारी चीज़ें और फिर आज की जो सूरत हाल है कि बैन अमामी जो सिफारती क्योंकि अब हम एक बादज़ आलमगीरीत के दौर से गुज़र रहे हैं इंटरनेशनल लॉस को भी उसके क्या तकाज़े हैं तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कल हमने एक रोड मैप एक लाये अमल तय किया है और यकीन इसमें बेहतरी की गुंजाइश है लेकिन जब वो काम शुरू कर ले तो रफ्तार रफ्तार नई चीज़ें भी सामने फिर उसके बाद यानी अपनी आरा का जो है इजहार किया जाएगा वो फिर हम रिपोर्ट से. जो है वो एपिक्स बॉडी के सामने पेश करेंगे ठीक तो हुकूमत इसमें अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कोई अपना प्रेशर ऐसा नहीं कर सकती इस्लामी नज़राती कौन सा जो है इस चीज़ से बिल्कुल बाला तर कर काम करता है ये जो ख़त हुकूमत की तरफ से आया है और ये फैसला ऐसा हुआ कि वजारत मजहबी अमूर के जो हमारे मोहतरम वजीर हैं मोहतरम कादरी साहब उनके और वज़ी अजम इमरान खान साहब के दरमियान ये फैसला हुआ और असर के वक्त जब उनकी मुलाकात हुई तो मग़रब को उन्होंने मुझे बताया कि आज वज़र अजम और मेरे दरमियान ये फ़ैसला हुआ तो ये मामला हम इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का को रेफ़र करने का फ़ैसला कर लिया है हमने तो ये वज़़र अजम की सतह पर और वजारत की सतह पर हुआ तो जब से ये ख़त हमारे पास आया है आठ दिन तकरीबन हुए हुकूमत के किसी भी अहलकार ने आ, कोई ऐसा इशारा नहीं दिया ज़बरदस्त हाँ यानी कोई रबता नहीं हुआ कोई इशारा नहीं दिया तो यकी आज़ादाना तरीके से और हमेशा इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने क्योंकि हम एक आइनी है हैं और आइनी अदारे में हम आज़ादाना तौर पर काम करते हैं ये तकरीबन छः महीने पहले हमारी रिपोर्ट आई नैब के हवाले से हमने यही कहा कि नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का जो ऑर्डिनेंस है इसमें कुछ शिक ऐसे हैं जो इस्लामी उसूल अदल और इंसाफ के खिलाफ हैं तो आजादाना तरीके से हमारी सिफारिशात आती हैं आईनी अदारा है कोई ऐसा सरकारी इदारा नहीं है कि सरकार डिक्टेट करे और फिर कोई फैसला हो ठीक आखिर में मैं आपसे पैगाम लेना चाहूँगा के तहात के लिए और आपस के इतफाक़ के लिए आप जो पैगाम देना चाहें पैगाम तो यही है कि इस वक्त हमारा मुल्क जो है जी। ये अमन का मुतकाजी है और दुनिया में तरक्की के एहतराम के बैन अवी हालात में और बैन अवी बरदरी में मुख्तलफ अदवार में मुख्तफ तरीके रहे हैं आज की दुनिया में एहतराम और आपको बड़ा स्पेस और मुकाम तब हासिल होता है कि जब आपकी मीशत मजबूत हो और मीशत के लिए दाखिली अमन बुनियादी शर्त है जहाँ पर अमन ना हो वहाँ पर बेहतर मीशत का सवाल ही पैदा नहीं होता तो के नाम से तो हमारी गुजारिश ये है कि ये जो फिरका वाराना हैं ये हैं तारीखी तौर पर इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता लेकिन इनको हम इख्तलाफ़ की बजाय ताबीरी तनवो का रंग दे सकते हैं इसको अपने तक महदूद रख सकते हैं इलमी हलकों तक ये आम आदमी तक ले जाना और फिर अमन अमान की सूरत हाल को ख़राब करना ये मैं समझता हूँ कि आज के दौर में ये बहुत नुकसान वाला एक हो हो तक रहना चाहिए क्योंकि अब जो ये ताबीरात हैं या अख्तिलाफ़ हैं मसाले की ये अब सिर्फ इलमी मसल नहीं रहा बल्कि अब इसका ताल्लुक जुड़ गया है हमारे मुल्क की सिक्योरिटी के साथ तो इस हवाले से ये मेरा पैगाम है कि इसका इदराक़ किया जाए ताकि हमारा मुल्क इस मुश्किल सूरत हाल से निकले और हम बैनवामी बिरादरी में इज़्ज़त और अहतराम के साथ जी सकें और हम आइंदा नसल को एक बेहतर पाकिस्तान मुंतकिल कर सकें बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब ने हमें अपना कीमती वक्त दिया जी नाजीन हाँ आपस के इतिहात के लिए उतफाक़ के लिए ज़रूरी है कि हम कुरान पाक की तलीमत पर अमल करें और यही हमारे लिए ज़िंदगी में और आख़रत के लिए बहुत ही बेहतर है मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा इन शीन में हाजिर होंगे असल वरम्ह वरक़ انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعكلون